हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। सो एप्लीकेशन 17 जुलाई 2021 से ओपन हो जाएगा और 31 अगस्त 2021 आपकी लास्ट डेट है। फी पेमेंट की लास्ट डेट है 2 सितंबर 2021। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर वन की जो डेट है वो फर्दर आपको इन्फॉर्म की जाएगी। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय द CAPFS। चलिए आगे देखते हैं आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सो पे लेवल थर्ड है और आपकी जो सैलरी होगी वो 21,700 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। वैकेंसीज की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF के लिए यहाँ पे डिटेल्ड में वैकेंसीज दी गई है मेल एंड फीमेल के लिए। तो मेल के लिए टोटल वैकेंसी है 22,424 एंड फीमेल के लिए 2,847 वैकेंसीज हैं। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो 18 to 23 years आपकी एज लिमिट है। इसके लिए जो कैलकुलेशन डेट है वो 1 अगस्त 2021 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि 18 से आप ज़्यादा हो और 23 से आप कम हो, ठीक है। सो दो डेट्स दी है, इन डेट्स के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है या इन डेट्स में आपकी डेट आती है, देन आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे ST SC के लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 years, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। इसे अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास का एग्जामिनेशन अगर आपने दे दिया है देन आप एलिजिबल हो। तो जो भी क्वालिफिकेशंस मांगे जा रहे हैं ये 1 अगस्त 2021 से पहले तक आपके पास होने चाहिए, या आप इन क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आप एलिजिबल हैं। सो 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं SSC GD कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन, दैट इज़ ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड देन आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, अकेडमिक डिटेल्स एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आपको अपलोड करने होते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ST SC एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको 3 सेंटर्स देने होते हैं प्रेफरेंस वाइज, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे डिटेल में देख लीजिएगा और जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा उसे आप प्रेफरेंस वाइज दे सकते हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है टीयर वन, जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। हर सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड हिंदी एंड इंग्लिश। सो एग्ज़ाम आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा और टोटल 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा। सो यहाँ पे हम आपको सिलेबस भी दिखाएंगे हर सेक्शन के लिए, जो डिटेल सिलेबस है आप इसी नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी और ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। सो यहाँ पे आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं सेक्शन वाइज। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में दिया गया है। एंड सबसे पहले अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रेस क्लियर करना होगा विद इन लिमिटेड टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल के लिए दिया है। जो लोग लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर्स इन 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करना है, और जो अदर देन लद्दाख कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स में कंप्लीट करना है। उसी तरीके से फीमेल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो गाइज, जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अपीयर हो पाते हैं। सो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, हाइट दिया गया है मेल एंड फीमेल के लिए। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स।
सो हाइट के लिए भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद चेस्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे अनएक्सपैंडेड 80 सेंटीमीटर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो ये सिलेक्शन प्रोसेस है और अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।